आईएमए में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसके मुख्य वक्ता प्रोफेसर ध्रुव चौधरी रहे, जो वर्चुअली जुड़े। वो ऑल इंडिया आईसीयू एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि डॉक्टर ध्रुव ने कोविड मैनेजमेंट जनरल प्रैक्टिशनर्स के बारे में बताया। जैसे कि आप सबको पता है कि कोरोना का कोई इलाज नहीं है, जिस पर उन्होंने कोरोना के व्यवहार पर प्रकाश डाला। उन्होंने वैक्सीनेशन की आवश्यकता, कोविड नियमों के बारे में भी ब्रीफ किया। प्रोफेसर ध्रुव ने कोरोना के इलाज में कारगर दवाओं की जानकारी डॉक्टरों को दी है। तो आपने पिछले 18 महीने से कोविड की महामारी के बारे में सुना है। आज फिर से हम लोग एक बार, जो प्रोफेसर ध्रुव चौधरी हैं, वो जो आईसीयू की नेशनल हमारी ऑल इंडिया की जो सोसाइटी है उसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो कोविड मैनेजमेंट जनरल प्रैक्टिशनर्स के बारे में बताएंगे। जैसा आपको मालूम है, कोविड के लिए कोई इलाज नहीं है, इसके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे वो प्रकाश डालेंगे। जो वैक्सीनेशन है, हमारे देश में आज की तारीख तक करीब 70 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन हो गई है, लेकिन अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो वो सिर्फ 12% होती है। तो अभी हमारे यहाँ हर्ड इम्यूनिटी नहीं आई है, और इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें कि मास्क लगाना, शारीरिक दूरी बनाए रखना और वैक्सीनेट करना, जैसे जैसे तेज़ी से सरकार चला सकती है उस प्रोग्राम को, उस पे प्रकाश डालेंगे। कुछ नई दवाइयाँ कोविड मैनेजमेंट में आ गई हैं, जिसके लिए भी डॉक्टर साहब हमारे डॉक्टर्स को बताएंगे, और आगे जो तीसरी वेव आने की आशंका है उसके बारे में भी आशंकाएं जो हो रही हैं उसका निवारण वो करेंगे। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस। न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।